हाय एवरीवन, क्या हालचाल? एकदम मस्त। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे गॉसेस लॉ। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल, इसका प्रूफ और कुछ इसके फैक्ट्स हम जानेंगे। तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी, आप उसे पार्ट वन जो वीडियो है जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस किया था, उसे बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये सब मैंने बताया था। और आज जो हम डिस्कस करेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नेक्स्ट लेवल है, यानी आप हायर वर्जन इसको आप बोल सकते हो। तो है क्या इसके अंदर, चलिए जानते हैं। सबसे पहले गॉसेस लॉ होता क्या है। तो आप अगर अभी तक आप पहुंच गए यहाँ पे तो इसकी स्टेटमेंट आपको पता होगी, लेकिन स्टेटमेंट पता होने से कुछ नहीं होता, उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। बहुत सारे मिस कॉन्सेप्ट होते हैं और इससे रिलेटेड ऐसे से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो भी थ्योरिटिकल, छोटे छोटे क्वेश्चन जिसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, वो भी हम देखेंगे कि क्या इसके अंदर माजरा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है बच्चों, कुछ इस तरीके से है। इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस, किससे? क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। It states that the total electric flux passing through closed surface is 1 by epsilon naught times the net electric charge enclosed by the surface, ठीक है, enclosed by the closed surface। तो देखिए, ये तो है इसकी डेफिनेशन, ये क्या है, इसकी स्टेटमेंट है गॉसेस लॉ की। एग्जाम में मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ये। कोई सा भी एग्जाम अगर आप देते हो, चाहे नीट का, जेई का, सीयूटी का, और सीबीएसई का तो दे ही रहे हो भाई, और स्टेट बोर्ड वाली भी भाई, कोई सा भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो है, तो उसमें आपको इसकी स्टेटमेंट लिखने के लिए पूछी जाती है। 5 नंबर तक का सवाल आता है यहां से, यस 5 मार्क्स का सवाल, पूरे 5 नंबर तक का सवाल इस टॉपिक से आता है, गॉसेस लॉ से। यहां से इसकी 3 मेन एप्लीकेशन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा 2 एप्लीकेशन मैं खुद ऐड करूंगा, यानी कंडक्टर से रिलेटेड है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, और सॉलिड स्पेयर से। तो टोटल 5 एप्लीकेशन हो जाएगी। सो भाई, पहले तो हम बात करते हैं कि अभी फिलहाल प्रेजेंट में क्या चल रहा है। तो गॉसेस लॉ है क्या? गॉसेस लॉ ये बोलता है कि अगर कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, क्या बोला है, क्लोज सरफेस, और उसके अंदर चार्ज इनक्लोज है, क्या बोला है यहाँ पे, कोई भी क्लोज्ड सरफेस है और उसके अंदर चार्ज इनक्लोज है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, ठीक है, इज 1 by epsilon naught times the net charge। अब देखिए स्टेटमेंट के अंदर 2-3 मीनिंग यहाँ पे वर्ड्स हैं। एक तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे एक बात समझो, दूसरा यहाँ पे क्लोज सरफेस, इस पे बहुत जोर दिया जा रहा है भाई, यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, और तीसरी बात बच्चों 1 by epsilon naught, और चौथी बात है इलेक्ट्रिक चार्ज वाला। ये कुछ यहाँ पे हाईलाइट वर्ड है, ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर, जो आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। अब देखिए स्टेटमेंट में क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी ये पूरा सरफेस है, इस सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, यानी फाई टोटल, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस होता है, आई विल डिस्कस इट राइट नाउ, आफ्टर सम टाइम मैं इसको बताऊंगा इसका भी मतलब क्या होता है, वी विल डिस्कस इट, इज इक्वल टू क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, भाई सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज सरफेस के अंदर, आप इसको क्यू नेट लिख लो या टोटल लिख लो, क्यू टोटल भी लिख सकते हो, टोटल चार्ज अपॉन में इप्साइलोन नॉट, ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1 upon epsilon naught times द नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। अब देखिए यहां पे इस गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट है,
ये आपका स्टेटमेंट हो गया, मैथमेटिकल वर्जन इसका, ठीक है ना। ये मैथमेटिकल फॉर्म है गॉसेस लॉ का, और ये गॉसेस लॉ का क्या है, सिंपल सी स्टेटमेंट होगी। अगर आप एग्जाम में ये भी लिख के आ जाते हो तो ये भी स्टेटमेंट ही है गॉसेस लॉ की, इसके भी आपको पूरे मार्क्स अवॉर्ड होते हैं। नाउ अब देखिए यहां पे दो टर्म आपको दिख रही है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। इस गॉसेस लॉ में ये दो टर्म आपको दिख रही है, एक तो क्यू टोटल दिख रहा है यहाँ पे, क्यू टोटल बाई इप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहां पर जो क्यू टोटल बाई इप्सिलॉन नॉट है, इसका मतलब क्या है, यहां पे जो क्यू टोटल है, यहां पे जो क्यू टोटल होगा, ठीक है, ये क्या है, ये नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस है, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस होगा। और सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना है, जो q टोटल है, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस है, नो आउटसाइड चार्ज इंक्लूडेड, इसमें कोई भी चार्ज बाहर वाला इंक्लूड नहीं होगा। सपोज अगर मैं यहां पे कोई भी एक सरफेस बनाता हूं और यहां पे q1 q2 q3 ऐसे करके चार्ज लिख दूं और q4 q5 यहां पे लिख दूं, तो भाई केवल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इन तीनों चार्ज का सम अपॉन में इप्सिलॉन नॉट होगा, ये q4 q5 वाला चार्ज इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो q टोटल है केवल सरफेस के अंदर वाले चार्ज को ही इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या, अब देखो यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं सरफेस इंटीग्रेशन, यानी क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन। ये जो यहाँ पे आप गोला सा देख रहे हो ना, सर्कल सा, इसका मतलब क्लोज्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है, क्लोज्ड सरफेस होता है, ठीक है, इसका मतलब क्लोज सरफेस होता है, आप ये समझ सकते हो। ये सर्कल से आप बना रखे हैं। अब इसके अंदर देखिए, इसे हम बोलते हैं सरफेस इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे, सरफेस के अलोंग, यानी जैसे स्फीयर है, स्फीयर का अगर सरफेस का इंटीग्रेशन करोगे तो 4πr² हो जाएगा, ठीक है। किसी सर्कल का सरफेस इंटीग्रेशन करोगे, लाइन का इंटीग्रेशन, वो तो लाइन हो जाता है वैसे, कोई भी मतलब लाइक एक हेमिस्फीयर है तो 2πr² हो जाएगा। या आप अगर सिलेंडर की बात करते हो तो कर्व सरफेस एरिया है तो उसमें क्या हो जाएगा, 2πrh हो जाएगा। अब नाउ इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे जो आप सारे चार्ज देख रहे हो, चाहे इनसाइड है चाहे आउटसाइड है, यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड दोनों इस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन सभी चार्ज के लिए वैलिड है ये, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल चार्जेस आउटसाइड एंड इनसाइड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पे जितने भी चार्जेस हैं आउटसाइड और इनसाइड, इन सभी चार्ज की वजह से ही ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस बात का ध्यान रखना है। तो टोटल चार्ज क्या होता है, जो नेट चार्ज है इनसाइड द सरफेस, ठीक है, जो टोटल चार्ज है यहाँ पे वो क्या है, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस वाला ही इंक्लूड होगा, बाहर वाला चार्ज इसमें इंक्लूड नहीं होगा। मतलब अगर आपको यहाँ पे फ्लक्स लिखना है तो q1 प्लस q2 प्लस q3 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये एक एग्जांपल देके समझाया मैंने बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इनसाइड और आउटसाइड वाले दोनों चार्ज इंक्लूड है। ये वाली स्टेटमेंट से, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से एग्जाम में सवाल पूछा गया था, ठीक है, कि भाई चार ऑप्शन दे दिया आपको, कि जो अब ऐसी बिल्कुल सरफेस दे रखा है, अब ये बताइए कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें जो टर्म है लेफ्ट और राइट वाली, ठीक है, इस वाले टर्म में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल इनसाइड वाले चार्ज की वजह से होगा, बाहर वाला चार्ज भी होगा इसके अंदर, या सारे चार्ज इसमें इंक्लूड होंगे। तो इसमें आएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें सभी चार्ज इंक्लूड होगा, लेकिन जो टोटल फ्लक्स है, ठीक है, जो टोटल चार्ज है वो चार्ज केवल इनसाइड वाला होगा, ओनली इनसाइड वाले चार्ज को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। तो देखिए ये गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट है, और इसका जो मीनिंग है वो ये है, इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए अब इसका थोड़ा सा प्रूफ करके देखते हैं कि इसका प्रूफ कैसे होगा। सर प्रूफ करके दिखाइए, चलो प्रूफ करते हैं, और इसके बाद कुछ बेसिक इसके जो कॉन्सेप्ट और वो भी हम डिस्कस करेंगे, इसका पूरा निचोड़ निकालेंगे। तो जो गॉसेस लॉ का हम प्रूफ करने जा रहे हैं, ओके, सपोज यहां पे एक हम लेट कर लेते हैं, कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज लेट कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर। अब देखिए इसका मतलब क्या है, लेट कर लो यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू है,
राइट। हमें पता है पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है कुछ ऐसे होती है, इसमें एरो बाहर की तरफ आते हैं, मानते हो कि नहीं, है ना, सत्य वचन है सर, बिल्कुल सही बात है, है ना, ऐसे आएगी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, समझ रहे हो नहीं, राइट। ये कोई भी पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, आपको पता है रेडियली आउटवर्ड होता है और ये सिमेट्रिकली स्फेरिकल होता है, यानी कहीं से भी देखो सिमेट्रिकल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समान दिखेगा। अब देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा, ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, इसका मतलब क्या है, देखिए ये चार्ज तो ओपन है भाई, ये तो पूरा ओपन सिस्टम है, कहीं पे भी क्लोज तो नहीं बन रहा है ना, तो हम क्या करते हैं भाई, इस चार्ज के किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम गॉसियन लॉ अप्लाई करते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले एक सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस का मतलब ही कोई भी एक 3D इमेजिनरी सरफेस होता है। गॉसियन सरफेस क्या होता है, 3D इमेजिनरी सरफेस होता है, 3D इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस होता है, क्या होता है, क्लोज सरफेस। ये कोई भी स्फीयर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, और क्या कहते हैं, कोई भी सिलेंडर हो सकता है, कोन हो सकता है, कोई भी आर्बिट्रेरी किसी भी टाइप का ये फिगर हो सकता है, ठीक है, बस आपको एक क्लोज सरफेस बनाना है, वो भी 3D। तो हम क्या करेंगे, इस चार्ज के चारों तरफ, इस चार्ज के चारों तरफ हम क्या करेंगे, एक स्फीयर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये स्फीयर क्या है, यही गॉसियन सरफेस है, GS, इसको हम क्या बोल रहे हैं, गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं। इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, मान लो मुझे इस पॉइंट पे अगर मैं चेक करता हूं, इस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं, ये क्या है, यहाँ पे ये एक स्मॉल सा सरफेस है, क्या है, स्मॉल सरफेस DS है, यही DS दे रहा, यही स्मॉल सरफेस DS है, ठीक है। अब आप देखो इसका, इस वाले पॉइंट का जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, ये एरिया वेक्टर हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी यहीं पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, दोनों इसी एक ही डायरेक्शन में होगा। तो यहां पे जो सरफेस इंटीग्रेशन है, जो फ्लक्स हो जाएगा, टोटल फ्लक्स यहां पे क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन E.ds हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, हमें प्रूफ करना है ये इसके बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पे। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, जिस जो कि क्या एक स्फीयर है, और इसकी रेडियस क्या है, आर है, क्या इसकी रेडियस आर है, हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ऑफ रेडियस आर। तो ड्रॉ गॉसियन सरफेस विच इज अ स्फीयर, ड्रॉ गॉसियन सरफेस विच इज अ स्फीयर, ऐसा आप लिख लेना, ऑफ रेडियस आर, राइट। अब देखिए जब हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, EDS cos थीटा हो जाएगा, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था फ्लक्स क्या होता है, E.A होता है, यानी EA cos थीटा होता है, यही तो होता है हमारे पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, EDS cos 0 हो जाएगा, EDS cos 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब दोनों सेम डायरेक्शन में तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई कॉन्स्टेंट है, आप किसी भी पॉइंट पे निकाल लो इस स्फीयर के, इस स्फीयर के सरफेस पे कहीं पे भी अगर आप निकालते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिकल शेप है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। E तो बाहर आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन ds और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब देखिए यहाँ पे ये स्मॉल सा सरफेस है, ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ds होंगे, अगर इन सारे ds को आप जोड़ दो, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेशन होता है, अगर आप इन सभी सरफेस को जोड़ दो, जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा स्फीयर का, जो कि क्या होता है, 4πr² होता है, क्या होता है, 4πr². इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4πε0 इनटू में q/r², यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज बाय 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, q/ε0 आ जाएगा। तो देखिए यही तो आ गया, जो हमारे पास टोटल फ्लक्स है, जो टोटल फ्लक्स है वो क्या आ गया, q/ε0 आ गया। यहां से क्या प्रूफ हो गया, गॉसियस लॉ प्रूफ हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/r² ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट पॉइंट पी, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमने ड्राइव भी किया था, और 4πr² क्या हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं सरफेस इंटीग्रेशन, यानी ये होता है एरिया ऑफ द सरफेस, किसके बराबर होता है, सरफेस एरिया के बराबर होता है, इस बात को ध्यान रख लो, ये सरफेस एरिया के बराबर होगा, ओके। तो नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या है हमारे पास, गॉसियस लॉ है। अब देखिए इस फॉर्मूले से हमें एक बात समझ आती है कि जो गॉसियस लॉ है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, यानी कोई भी क्लोज सरफेस है, जो क्लोज्ड सरफेस है उसका शेप क्या है, साइज क्या है, ठीक है, उस पर टोटली इंडिपेंडेंट है, यानी डिपेंड
नहीं करता है, आप ये कह सकते हो। तो इसका मतलब जो गॉसेस लॉ है, क्या है, गॉसेस लॉ इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ, टोटली इंडिपेंडेंट या ओनली इंडिपेंडेंट लिख लो, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज। तो यहां से भी एग्जाम में सवाल पूछा गया है, यहां से भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, क्या अगर हम किसी सरफेस का आकार डबल कर दे तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई चेंज आएगा? तो भाई बिल्कुल चेंज नहीं आने वाला, गॉसेस लॉ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप साइज डबल ट्रिपल चौगुना कितना भी बढ़ा दो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल किस पे डिपेंड करता है कि भाई सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, इसी पे डिपेंड करेगा। नेट चार्ज जीरो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, नेट चार्ज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा थोड़ी सी और इसकी स्पाइसी टॉक्स हैं, यानी कुछ फैक्ट्स हैं, लेट्स डिस्कस दैट आल्सो, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं कि है क्या। तो यहां से ना कुछ पॉइंट्स हाईलाइट होते हैं, यहां से कुछ पॉइंट्स हाईलाइट होते हैं। ये गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट है, ठीक है, ये याद रखनी है, दिमाग के अंदर बैठा लो, फिट कर लो, और एग्जाम में पूछी जाती है ये। ओके, गॉसेस लॉ का एनालॉजी आप दोबारा पढ़ोगे मैग्नेटिज्म के अंदर, जब हम 6th चैप्टर ईएमआई पढ़ेंगे और 5th चैप्टर जब हम पढ़ेंगे वहां पे भी आएगा ये, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है इन सबको। चलिए, ये गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट आप कह सकते हो, फाइन। चलिए अब इसमें कुछ फैक्ट है, ठीक है, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर आप कह सकते हो, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ स्पाइसी टॉक, ठीक है, ये स्पाइसी टॉक है, आप ऐसे समझ सकते हो। कुछ इस कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड, सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो नेट फ्लक्स है, नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, थ्रू क्लोज सरफेस, ठीक है, इज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस। ओके, जो सरफेस के अंदर नेट चार्ज होगा केवल वही होगा यहां पे, और कुछ नहीं होगा, ठीक है, बाहर वाले चार्ज इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसी का ए पार्ट बी पार्ट, नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज आउटसाइड द बॉडी, चार्ज आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस, सरफेस के बाहर जो भी चार्ज है इनकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटसाइड द सरफेस इज जीरो, या द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द चार्ज विच इज आउटसाइड द क्लोज सरफेस इज जीरो। तो इन चार्ज का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर, ठीक है। ये आ गया पहले में दो बातें, ठीक है, फर्स्ट में दो बात आ चुकी है। दूसरी बात देखिए यहां पे, दूसरी बात क्या है, जो यहां पे क्लोज सरफेस इन, इफ क्लोज सरफेस इज इन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो। इसका मतलब क्या है यहां पे, देखो बच्चों, अगर कोई भी सरफेस है और अगर इसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो टोटल जो फ्लक्स हो जाएगा थ्रू द क्लोज सरफेस वो जीरो हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या रख दिया, किसी क्लोज सरफेस को रख दिया, उसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो नेट जो फ्लक्स हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात तो ये आ गई। तीसरी बात, इफ इफ द सरफेस सरफेस इज फिल्ड विद, फिल्ड या प्लेस्ड कह सकते हो, फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, किसे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अगर हमने इस सरफेस को डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल कर दिया, ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, जरा देख लो ये सारी बातें। अगर हम इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम से इंसर्ट करते हैं, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, अगर डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है, तब इन दैट केस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, Q by K times epsilon not हो जाएगा, मतलब K times कम हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि भाई हमने सरफेस को वाटर से फिल कर दिया, फॉर एग्जाम्पल इफ द सरफेस इज फिल्ड विद
फिल्ड विद वाटर, ठीक है, तब इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा एयर के कंपैरिजन में कितना हो जाएगा, के बाई 80 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, क्यों, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वाटर का वो क्या होता है 80 होता है। ओके, तो ये कुछ ऐसी सी बातें फैक्ट है जो आपको याद रखनी है, ठीक है, दिमाग में बैठानी है, समझ लो। अगर कोई भी क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है, ठीक है, इफ द क्लोज्ड सरफेस है ना, सरफेस इफ द क्लोज सरफेस इज प्लेस्ड इन इज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तब टोटल फ्लक्स जीरो हो जाएगा थ्रू द क्लोज सरफेस। अगर सरफेस के अंदर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, सपोज जैसे वाटर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टाइम्स कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं एक और, हम और भी कुछ फैक्ट है इसमें जो आपको दिमाग में रखनी है। फोर्थ, चौथी बात ये बच्चों कि अगर मान लो इफ अ सिमेट्रिकल बॉडी ऑफ एन आइडेंटिकल फेस विद चार्ज एट सेंटर, ठीक है, देन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस इज 1/n इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे क्यूब है, क्यूब क्या है, सिमेट्रिकल बॉडी है, सिमेट्रिकल का मतलब होता है भाई कहीं से भी देख लो, ठीक है, वो हर जगह से क्यूब ही दिखाई देगा, उसका क्यूब का जो है वो क्यूब चेंज नहीं हो सकता। एक बॉल है, बॉल को आप कहीं से भी देखो वो स्फीयर ही दिखाई देगी और वो कोई क्यूब या रोम्बस नहीं बन सकता, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही बच्चों यहां पर है, कोई भी एक सिमेट्रिकल बॉडी है जिसकी एन आइडेंटिकल फेस है, जैसे मैं बात करता हूं एक क्यूब की 6 आइडेंटिकल फेस होती है, है ना, तो क्यूब के 6 आइडेंटिकल फेस है और आपसे पूछा जाए अगर उसके उस क्यूब के सेंटर पे कोई चार्ज रखा है तो हर एक फेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 1/n क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और क्यूब के केस में यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये, इसको मतलब एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना जरा ध्यान से, इस पे ही बेस सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं। तो चलिए ये तो हो गई आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जो जो इसके अंदर था भाई निचोड़ है एकदम पूरा का पूरा। अब इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं, थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट को और थोड़ा मजबूत करते हैं और उसी पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है, मैं आपको इसमें आपको क्या करना है, इन सभी केस में आपको क्वेश्चन है ये भाई, ठीक है, और ये DPP-4 है, कौन सा DPP-4 है, ये DPP-4 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 14 तक आप कह सकते हो, 6 से लेके 14 तक ये सारे सवाल है, 13 तक ये सारे सवाल है। तो 6 से पहले स्टार्ट करते हैं, इन सब में क्या करना है आपको, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इन सब में आपको ये कैलकुलेट करना है। जैसे ये वाला है डाइपोल इनक्लोज्ड इन अ स्फीयर, एक स्फीयर के अंदर हमने डाइपोल रख दिया, एक स्फीयर है और इसके अंदर मैंने डाइपोल रख दिया, एक स्फीयर के अंदर मैंने क्या रख दिया, डाइपोल रख दिया सेंटर पे सपोज। अब आपसे पूछा जाए कि भाई इस स्फीयर से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे क्यू नेट क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज, चार्ज की सेकंड प्रॉपर्टी थी यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की, दैट इज द चार्ज कैन बी एडिट, एडिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज को हम चार्ज स्केलर क्वांटिटी है और हम उसको स्केलर एडिशन कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो एल्जेब्रिकली हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू कितना आ गया, जीरो आ जाएगा, है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया यहाँ पे, जीरो हो गया। ये बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है, देखिए एक चीज और समझिए यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है तो आप क्या कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, नहीं ऐसा नहीं है, देखो क्योंकि डाइपोल का आप कहीं पे भी निकालो, इक्वेटोरियल पे, एक्सियल पे, किसी भी जगह पे, पॉइंट पे अगर फील्ड निकालते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कभी भी जीरो नहीं होता है, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल अलोंग एक्सियल इक्वेटोरियल कहीं पे भी जीरो नहीं होता है। तो भाई जरूरी नहीं है कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो सकता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। तो इस बात को जरा ध्यान रखने, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, नोट कर लेना चाहो तो, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, ठीक है, नॉट नेसेसरी, ये ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। चलिए सेवंथ क्वेश्चन जो है यहाँ पे, सेवंथ क्वेश्चन क्यूब से रिलेटेड है। मान लो एक क्यूब है, एक क्यूब है, और इसके सेंटर पे, कहां पे, इसके सेंटर पे हमने क्या रख दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज रख दिया, इसके सेंटर पे बिल्कुल इलेक्ट्रिक चार्ज रख दिया। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू थ्रू क्यूब या ऑल फेसेस, थ्रू क्यूब या ऑल फेसेस आप बोल सकते हो, भाई सभी फेसेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, यानी भाई सेंटर पे चार्ज है, भाई तो सभी फेसेस से निकालें तो भाई टोटल चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, बस इतना ही आंसर होगा, ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इसका आंसर तो देना बड़ा आसान था। लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि थ्रू ईच फेस, थ्रू ईच फेस अगर आपसे पूछा जाए, यही सवाल है, या एनी फेस, थ्रू ईच फेस या एनी फेस, यानी हर एक फेस से या किसी भी फेस से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है और चार्ज सेंटर पे, तब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, थ्रू ईच फेस। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, आप वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करना जिसमें मैंने क्या बताया, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है 1/n टाइम्स हो जाता है ना, अगर n आइडेंटिकल शेप है तो भाई पूरे फेस से इतना फ्लक्स पास हो रहा है, तो एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, 6 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि टोटल 6 फेस होते हैं एक क्यूब के, तो कितना आ जाएगा, 1/6 इनटू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये आपका था कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसमें और भी क्वेश्चन है, अब सपोज हमने क्या कर दिया, चार्ज को यहां नहीं रखा है, हमने अब चार्ज को कॉर्नर पे रख दिया, कहां पे रख दिया, कॉर्नर पे, यहां पे चार्ज रख दिया कॉर्नर पे, ओके, यानी क्यू है, क्यू इज एट कॉर्नर, यानी इस क्यूब के कॉर्नर पे हमने चार्ज रख दिया। अब बताओ कि भाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा जो इस क्यूब से पास होगा। देखो अब इन दिस केस जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा जो पूरे क्यूब से पास होगा, अब आप पहले आप यहाँ पे ये सोचिए कि जो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, इस चार्ज का कितना कितना हिस्सा, कितना पार्ट ये क्यूब शेयर करेगा, इस बात को थोड़ा दिमाग में बैठा लेना बच्चों, वरना इसका सोचने का इमेजिनेशन जो तरीका है वो ये है कि आप सोचो कि ऐसे आप कितने क्यूब इसको इस क्यूब के साथ ऐसे कितने और क्यूब लगाओ कि ये जो चार्ज है पूरा कवर हो जाए और एक बड़े से क्यूब के सेंटर में चार्ज आ जाए। तो भाई आपको अगर ऐसा करना होगा तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे टोटल मिला के आपको यहाँ पे कम से कम 8 क्यूब चाहिए, टोटल 8 क्यूब चाहिए ताकि ये सेंटर में आ जाए। तो मतलब हर एक क्यूब जो होगा केवल इस चार्ज का 8वां हिस्सा ही शेयर करेगा, वरना आप इसको ऐसे याद रख लेना कि जो क्यूब है इस चार्ज का केवल कितना हिस्सा शेयर कर रहा है, क्यूब बाई 8 हिस्सा शेयर करेगा। तो टोटल चार्ज जो इस क्यूब के अंदर आएगा वो क्यूब बाई 8 हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया यहाँ पे, क्यूब बाई 8 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/8 इंटू में क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉर्नर वाला है। अगर कोई चार्ज कॉर्नर पे है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्यूब से पास होगा 1/8 टाइम्स क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। अब आगे समझिए यहाँ पे, अब आपसे बोला जाए थ्रू ईच फेस, थ्रू ईच फेस क्या होगा, हर एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। देखो यहाँ पे अगर आपकी चेक करना है तो पहले देखो कि इस चार्ज से कितने सरफेस शेयर हो रहे हैं, ये कुल मिला के 3 सरफेस हैं जो इस चार्ज से क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि 3 का मतलब 3 फेस से इतना फ्लक्स हो गया पूरे फेस से, तो एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, इसका भी 1/3 हो जाएगा। तो 5 टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/3 इंटू में 1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/24 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे इंटरेस्टेड, और इसके बाद जो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं ये करीब 10 तक 11 तक सवाल हो गए टोटल मिला के, 11 तो ये होगा शायद, 11th क्वेश्चन ये वाला है। 11th क्वेश्चन में ये है इस तरीके से, देखिए यहां पे इस चार्ज को अंदर रख दिया, यहां पे इस चार्ज को सेंटर पे रखा है, और ये वाला चार्ज क्या आउटसाइड है। अब आपसे ये हेमिस्फेयर है, क्या ये हेमिस्फेयर है, तीनों केस में हेमिस्फेयर है, और आपसे बोला जाए कि भाई
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए इस वाले में तो आप आसानी से कह दोगे क्योंकि चार्ज पूरा हेमिस्फीयर के अंदर आ रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेट चार्ज इन द सरफेस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, खत्म। इस वाले केस का क्या बोलोगे, देखिए अब ये जो हेमिस्फीयर है, ये जो चार्ज है हेमिस्फीयर के सेंटर पर है, कहां पर है, सेंटर पर है। तो जब ये चार्ज सेंटर पर है यहाँ पे हेमिस्फीयर के, तो ये देखो कि जो हेमिस्फीयर के अंदर इस चार्ज का कितना हिस्सा आ रहा है, इस चार्ज का कितना पार्ट इस हेमिस्फीयर के अंदर आ रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। तो आप देखो तो इस चार्ज का केवल आधा हिस्सा हेमिस्फीयर के अंदर आएगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा 1/2 Q/ε0 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होगा इसका आंसर। अब इस केस में इलेक्ट्रिक जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है बाहर है, आउटसाइड द सरफेस है, और आउटसाइड द सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये कुछ गिने चुने क्वेश्चन थे, ठीक है, और काफी ऑथेंटिक सवाल है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जेई नीट और सीबीएसई जैसे एग्जामों में पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे गए हैं। चलिए एक और सवाल, 12th क्वेश्चन है डीपीपी का ये। इसमें क्या है बच्चों, देखिए एक ही सवाल है यहाँ पे, ये कोई भी बॉडी है और यहाँ पे चार्ज कॉन्फिगरेशन दे रखा है, पूछ रखा है कि इस सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा। देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल चार्ज क्या होगा, अब बताओ क्या ये वाला चार्ज इंक्लूड होगा, नहीं, बाहर वाला चार्ज का कोई इंक्लूजन नहीं है, तो भाई इस चार्ज से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें क्या देखना है, केवल अंदर वाला चार्ज, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वही देखना है आपको। तो भाई अंदर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, +2Q और -Q, कितना हो जाएगा, Q और Q/ε0, यही तो होता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नेट चार्ज अपॉन में ε0, +2Q - Q कितना हो जाएगा, ओनली Q आ जाएगा, Q/ε0 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन 13, एक और लास्ट सवाल है इसका, इसमें क्या है, देखिए ये अनदर क्वेश्चन है, हमारे पास ये चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे +2Q चार्ज है और यहाँ पे -Q चार्ज है, ओके, यहाँ पे -2Q चार्ज है और यहाँ पे +Q चार्ज है, ऐसे सेलेक्ट कर लो, ठीक है, ये -2Q चार्ज है और +Q, -2Q चार्ज A पे है और +Q चार्ज 4A पे है। यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, थ्रू द स्फीयर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा जिसकी रेडियस 3A है, सेंटर्ड एट ओरिजन, यानी सेंटर कहां पे, ओरिजन पे सेंटर है। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे एक स्फीयर ड्रॉ कर लो, 2A 3A लेट कर लेते हैं इसको हम, ये A 2A 3A 4A हो जाएगा। तो भाई जो यहां से स्फीयर पास होगा जिसकी रेडियस 3A होगा, कुछ ऐसे होगा स्फीयर, है ना। अब बताओ इस स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना आ रहा है, ओनली -2Q, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, है ना। तो टोटल यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, टोटल जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -2Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें से पास आउट होगा, ओके। तो गाइस दिस इज द लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ गॉसेस लॉ पे बेस्ड सवाल, इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज के ऊपर ये सवाल थे सारे सारे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो गॉसेस लॉ में हमने डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड, कहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, कौन कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्लूड करना है, क्यू नेट का मतलब क्या था गॉसेस लॉ में, E.ds का मतलब क्या है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है क्या ये सब। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन 2013 में CBSE के बोर्ड में पूछा गया था, और ऐसे क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है, इस टाइप के सवाल, क्यूब, कभी यहाँ पे क्यूब दे देते हैं, कभी स्फीयर दे देंगे, मतलब तो इस तरीके से कुछ ना कुछ यहाँ पे देते रहते हैं, राइट। चलिए सवाल क्या है, यहाँ पे एक होलो सिलेंडर बॉक्स है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्रॉस सेक्शन का एरिया, ठीक है ना। इज प्लेस्ड इन 3-डाइमेंशनल सिस्टम, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय E = 50x i कैप, x यहां पे मीटर में है, नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर पूछ रखा है,
और इलेनाइट इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर है। अब इस क्वेश्चन करने से पहले ना कुछ चीजें, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जुड़ी क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले भाई एरिया वेक्टर पता होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन क्या है वो पता होना चाहिए। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है यहाँ पे। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस में अप्लाई कर रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई कर रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रखा है इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे क्या करना है भाई, एरिया वेक्टर चेक करना पड़ेगा। ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये सिलेंडर है, इसके तीन सरफेस होंगे। कौन से? एक तो भाई क्रॉस, दो तो क्रॉस सेक्शन हो गए ये वाले, है ना, दो तो सर्कल हो गए और एक क्या होगी कर्व्ड सरफेस वाला हिस्सा हो गया, राइट। अब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस तरफ होगा, इसका एरिया वेक्टर ये हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, ठीक है, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा ऊपर की तरफ, राइट, और इस वाले फेस का एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, इस तरफ होगा। कैसे निकालते एरिया वेक्टर भाई, आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। तो भाई इसमें जो एरिया वेक्टर है नॉर्मल टू सरफेस ये हो जाएगा, इसमें नॉर्मल टू सरफेस हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा और अलग तरीके से समझाता हूं आपको। ये हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, इसके तीन सरफेस है, एक ये वाला है A1, दूसरा सरफेस ये है और तीसरा ये वाला सरफेस है, ओके। अब यहाँ पे जो एरिया वेक्टर इसका, एरिया वेक्टर इसका ऊपर की तरफ होगा, इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा, यानी नॉर्मल होगा, ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस होगा, और ये कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा, है ना। तो ऐसे कुछ मिला के यहाँ पे आप कह सकते हो भाई सिलेंडर के एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से, और इसी को मैंने यहाँ पे रिजॉल्व कर रखा है, इस तरीके से मैंने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दिखा रखी है। अब देखिए यहाँ पे जो ए है ये क्या हो जाएगा, ए एरिया वेक्टर ए जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए आई कैप क्यों लिखा, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये जो एरिया वेक्टर है, ये वाला जो एरिया वेक्टर है ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ए इक्वल टू माइनस ए आई कैप। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रखा है, अगर मैं इसको लेट कर लूं, यहां से फ्लक्स फाइ वन पास होगा, यहां से फ्लक्स क्या होगा फाइ टू पास होगा, और इस कर्व सरफेस एरिया वाले से फ्लक्स क्या होगा फाइ थ्री पास होगा। यहाँ पे ये जो एरिया वेक्टर ये वाला क्या है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब देखिए टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स मतलब तीनों सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है उनका सम। फ्लक्स क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इसको स्केलरली ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए फाइ वन क्या है, फाइ वन का मतलब ये वाला, इस वाले फेस पे ये फाइ वन है हमारे पास, ठीक है, ये वाला क्या है, ये हमारे पास फाइ वन है। इस वाले फेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होना चाहिए, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आप ही चेक कीजिए, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 1 मीटर हो जाएगी, ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा 1 मीटर, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भाई वो 50 आई कैप हो जाएगा, यहाँ पे 1 पुट कर दोगे। इस वाले पॉइंट पे चेक करो, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर की लेंथ सिलेंडर की है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 यहां पुट कर दो तो 2 50 दूनी कितना हो गया 100 आई कैप, ओके। और इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों अभी बताता हूं ऐसा क्यों बोला मैंने। यहां पे ये क्या हो जाएगा माइनस ए आई डॉट आई आई डॉट आई आई डॉट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा भाई। फाइ वन का मतलब, फाइ वन क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ई डॉट ए होता है, यानी ई ए कॉस थीटा, यही तो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए। तो भाई यहाँ पे एरिया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरिया वेक्टर माइनस ए आई कैप है, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो भाई ए इंटू ए डॉट ई वन क्या हो जाएगा, यानी कि आई डॉट आई वन हो गया, ठीक है, तो माइनस 50 आई ए हो जाएगा, माइनस 50 ए हो जाएगा। प्लस में फाइ टू की बात कर लो, फाइ टू में क्या होगा, यहाँ पे 100 आई है आई कैप है और यहाँ पे ए आई कैप है, 100 आई कैप डॉट ए आई कैप, आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 100 ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 100 ए हो जाएगा। अब बात करते हैं फाइ थ्री की, यानी इस वाले फ्लक्स की। देखो ये जो सरफेस है ये वाला, ये क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो E डॉट S मतलब ES cos 90 हो जाएगा, ES cos 90 का मतलब cos 90 जीरो हो गया, तो भाई 100 माइनस 50 कितना हो गया 50 A हो जाएगा, 100 माइनस 50 कितना हो गया 50 A हो जाएगा। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें कितना दे रखा है, ये भी हमें गिवन है, कितना है 25 cm², एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 25 cm², इसका मतलब 25 गुना में
10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर क्या होता है 10 की पावर माइनस 4 होता है। यहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 50 इंटू में कितना 25 इंटू में 10 की पावर माइनस 4, राइट 25 पंजे 125, 1250 इंटू 10 की पावर माइनस 4। थोड़ा सॉल्व करोगे यहाँ पे नीचे 10,000 आ जाएगा, तो 0.125 कितना हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। इतना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा किससे, इस सरफेस से। ओके तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आंसर आ जाएगा भाई फाइ इक्वल टू 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब आ जाएगा। ओके अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, नेट चार्ज निकालना है। दूसरा जो सवाल है इसमें बी पार्ट में हमें क्या निकालना है, नेट चार्ज निकालना है। तो फाइ टोटल क्या होता है अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो भाई नेट चार्ज क्या हो जाएगा इनसाइड द सरफेस, यहां पे आ जाएगा फाइ टोटल इंटू में एप्सिलॉन नॉट, फाइ इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब फाइ की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 0.125, एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12, यही तो होता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जीरो। इसका यहाँ पे डेसिमल हटा दो, नीचे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, 25 पंजे 100, 25 चौक 100, 0 5 8 40, 8 से काटो तो 8 एकम 8, 0 8 छिंग 48 और 6 0 8 7 56, तो मतलब 1.01067 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलॉम। ठीक है, इससे माइनस 12 कूलॉम को पीसी भी लिख सकते हो, इसे हम बोलते हैं पीको कूलॉम। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 1.1067 पीको कूलॉम्ब आ जाएगी। ये नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जो सिलेंडर के अंदर इनक्लोज्ड है। सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, यानी कि अभी फिलहाल यहीं तक के न्यूमेरिकल्स वगैरह जो भी था DPP4 कंप्लीट हो चुकी है। जल्दी टेलीग्राम पे DPP को आप अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वहां पे मैं कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता हूं। टेलीग्राम चैनल पे क्रेजी फॉर फिजिक्स है और ये भी चैनल क्रेजी फॉर फिजिक्स ही है। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो भाई और मेहनत करते रहो, कंटिन्यू अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखो स्टडी के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे मैं डिस्कस करूंगा गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस को विद न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए टाटा बाय।